मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर कक्षा 11वीं की छात्रा अनुष्का भट्ट हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर नारायण सिंह के महान व्यक्तित्व एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर प्रकाश डालना चाहूंगी। भारत को अंग्रेजों से आजादी हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों के कारण मिली है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो देश की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान करने में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी किसी से पीछे नहीं रहे। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है शहीद वीर नारायण सिंह का। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में सोना खान के जमींदार परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। वे बेजौर आदिवासी समूह से ताल्लुक रखते थे। देशभक्ति और वीरता उन्हें अपने पिता राम साई जी से विरासत में मिली। कहा जाता है कि नारायण सिंह के पास स्वामी भक्त घोड़ा था। वे अक्सर उस पर सवार होकर अपनी विरासत का भ्रमण किया करते थे। भ्रमण के दौरान एक बार उन्हें पता चला कि उनके सोना खान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर आतंक मचा रहा है, जिसके कारण प्रजा भयभीत है। प्रजा का भय दूर करने वह तुरंत तलवार लेकर जंगल में गए और नरभक्षी शेर को ढेर कर दिया। उनकी इस वीरता के कारण उन्हें वीर की उपाधि दी गई और वे वीर नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में सोना खान के जमींदार बने। स्वभाव से ही हिम्मती, परोपकारी और न्यायप्रिय होने के कारण वह जल्द ही लोगों के जननायक बन गए। जब पूरे भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज हो गया तो अंग्रेजों ने किसानों पर लगान का बोझ डाल दिया, जिसके विरोध में 1854 में वीर नारायण सिंह ने विद्रोह किया, जिसके चलते रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट से उनकी दुश्मनी हो गई। फिर 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ जाने के कारण लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे, लेकिन जमाखोर व्यापारियों के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इन्हीं में से एक कशडौल के व्यापारी माखन से नारायण सिंह ने गरीबों के लिए अनाज खोलने की प्रार्थना की, लेकिन व्यापारी माखन ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। फिर क्या था, वीर नारायण सिंह ने गोदाम से अनाज निकलवा कर गरीबों में बांट दिया। व्यापारी ने इसकी शिकायत इलियट से की। इलियट ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया और रायपुर जेल भिजवा दिया। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे देश में तेज हुई तो छत्तीसगढ़ में भी इसकी आग तेजी से फैली। यहाँ के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण सिंह को ही अपना नेता मान लिया और इस आंदोलन में शामिल हो गए। नाना साहब द्वारा इस क्रांति की सूचना रोटी और कमल के माध्यम से देश भर की सैनिक छावनियों में भेजी गई। यह सूचना जब रायपुर पहुंची तो देशभक्त जेल कर्मियों ने योजना बनाकर वीर नारायण सिंह को मुक्त करवा लिया। जेल से मुक्त होकर उन्होंने 500 सैनिकों की एक सेना बनाई और 20 अगस्त 1857 सोना खान में आजादी का बिगुल बजा दिया। इलियट ने स्मिथ नामक सेनापति को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन सोना खान के अनेक जमींदार अंग्रेजों से मिल गए, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को पीछे हटना पड़ा।
किंतु जब तक वीर नारायण सिंह में सामर्थ रहा, वह अंग्रेजों से लड़ते रहे। लेकिन एक बार फिर सोना खान के जमींदारों की गद्दारी से वीर नारायण सिंह पकड़े गए और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने रायपुर में उन्हें सरेआम फांसी दे दी। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद वीर नारायण सिंह को जहां फांसी दी गई थी, वो आज जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को, देशभक्ति के उनके जज्बे को हम देशवासी सलाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।